तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब भाई। लड़की कैसे पटाए, लड़की कैसे पटाई जाती है, लड़की को कैसे पटाते हैं, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, हाउ टू इम्प्रेस ए गर्ल, इन सभी से रिलेटेड ना जाने आप कितने क्वेश्चंस को यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का मैं वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको लड़की पटाने के 3 गुरु मंत्र बताऊँगा। अब मंत्र सुनकर आप चौंक मत जाना, ये कोई जादू टोना नहीं है, बस सिंपल से 3 स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप किसी लड़की को पटा रही या पटाना चाहते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने पहले स्टेप की तरफ, जो है चूज द गर्ल करेक्टली। अगर भाई आप किसी लड़के को पटाना चाहते हो तो पहला मंत्र यही है जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को बहुत से लड़के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई मैं एक लड़की को पटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस लड़की को पटाना चाहता हूँ वो मुझे देखती नहीं है, मुझे जानती नहीं है, उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही अमीर है। तो एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरी आपको पहली सलाह यही है कि सही लड़की को पिक करो। जब तक आप अपने लिए सही लड़की को पिक नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही वीडियो के नीचे सालों भर कमेंट करते रह जाओगे। मेरे वीडियो के नीचे नहीं करोगे तो किसी और के वीडियो के नीचे कमेंट करोगे और परेशान होते रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सही लड़की को चूज कैसे करें, तो भाई बहुत ही सिंपल है। देखो, आज के टाइम पे सती सावित्री लड़की का मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब कोई लड़की आपको ऐसी मिले जिसको देख करके आपको लगे कि बंदी बिना किसी के राय लिए, बिना किसी के हेल्प लिए सेट हो जाएगी, तो उस लड़की को आपको सेट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई अगर आप किसी ऐसी लड़की को पटा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नखरीली है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो फिर भाई आप हमेशा की तरह वीडियो के नीचे कमेंट ही करते रह जाओगे। तो अब चलते दूसरे मंत्र यानी कि दूसरे स्टेप की तरफ, जो है फॉलो द राइट प्रोसेस। भाई जब आप अपने लिए किसी लड़की को चूज़ कर लो, तो उसके बाद आपको लड़की पटाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना होता है और किसी एक बंदे के बात पर फोकस करना होता है। लेकिन आप क्या करते हो, जहाँ से आपको लड़के पटाने का ज्ञान मिलता है आप वहाँ से ज्ञान बटोर लेते हो। तो ये सब भाई फिल्मों में होता है, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लो। हर किसी का ज्ञान आपसे लड़की नहीं पटवा सकता, हाँ लड़की कटवा जरूर सकता है, और शायद आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। आपने कई लोगों के ज्ञान को फॉलो किया होगा और बंदी सेट होने के बजाय उल्टा आपसे कट गई होगी। तो अगर आपको लड़की पटाना है तो अपने अंदरूनी ज्ञान का इस्तेमाल करो या किसी एक बंदे का ज्ञान का इस्तेमाल करो। अगर आप सोच रहे हो कि YouTube पर कोई भी लव गुरु आपको ऐसे टिप्स दे देगा जिससे बंदी आपके पीछे पड़ जाएगी, आपसे सेट हो जाएगी, आपकी दीवानी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, और ये एक YouTube का कड़वा सच है। हाँ, कुछ YouTube पर लव गुरुज हैं जिनके टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, आपके लिए वैल्यूएबल होगी, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ इन टिप्स की मदद से 100% लड़की आपसे पड़ जाएगी, वो एक झूठ है। तो सेकंड मंत्र में मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि लड़की पटाने के लिए सही प्रोसेस को फॉलो करो। और आपके जानकारी में भी कई लड़के ऐसे भी होंगे जिनसे ठीक ठाक बंदियां सेट होंगी, ऐसे बंदे भी किसी की हेल्प नहीं लेते, ये सिर्फ अपने ही दिमाग का गुरु ज्ञान चलाते हैं और हाथ में आए हुए मौके को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, और इस चीज़ का प्रसाद इन्हें अवश्य मिलता है। तो अब चलते थर्ड और आखिरी स्टेप की तरफ, जो है कैपेबल बनो। भाई जरूरी नहीं है कि हर बार सब कुछ आप ही करो और अंत में भी आप ही लड़के को प्रपोज करो, ऐसे प्रपोज तो करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको लड़के पटाने के लिए कभी भी भीख ना मांगनी पड़े, इधर उधर फालतू की हेल्प नहीं लेनी पड़े, तो कैपेबल बनो। अब कैपेबल कैसे बन सकते हो, तो भाई कैपेबल बनना कोई महाभारत नहीं है। देखो हर किसी की अलग अलग फील्ड होती है, कोई लड़का लड़की पटाने में एक्सपर्ट होता है, कोई लड़का पढ़ाई लिखाई में एक्सपर्ट होता है, कोई लड़का क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट होता है, तो कोई लड़का किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैपेबल बनने के लिए एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं, वो आपके ऊपर है। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनेंगे, माहिर बनेंगे, तो उसके बेनिफिट्स आपको ही मिलेंगे। लेकिन अंत में आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा, जो कि मेरा आखिरी पॉइंट है और ज़िंदगी का मंत्र सूत्र है। अगर आप किसी चीज़ में काबिल होंगे, योग्य होंगे, तो इसका फ़ायदा आपको लड़के पटाने के साथ साथ अपने ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने की ओर भी मिलेगा, और आप किसी भी क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आपको कामयाबी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं बनोगे और कैपेबल बनने के लिए कोई निर्णय भी नहीं लोगे, तो आपको हर क्षेत्र में निराशा ही हाथ लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि हर क्षेत्र में आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाओ, तो बी कैपेबल। और जब आप कैपेबल होंगे तो लड़कियाँ झक मार के खुद आएंगी। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।